स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से रामानुज नगर में बनाए गए सामुदायिक शौचालय बेकार पड़े हुए हैं। रामानुज नगर में निर्मित शौचालय की स्थिति इतनी बदतर है कि मोहल्लेवासी, व्यापारी और दूर दराज से आने वाले लोग शौचालय की जमीन पर खुले में शौच करने के लिए विवश हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाया गया सामुदायिक शौचालय अव्यवस्था का गढ़ बन चुका है। बाहर से चकाचक दिखने वाले सामुदायिक शौचालय के भीतर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शौचालय में फैली गंदगी जिम्मेदारों की नजर से बाहर है। ऐसी अव्यवस्था स्वच्छता मिशन की पोल खोल रही है। पूरा मामला रामानुजगंज बस स्टैंड के समीप का है, जहां पर शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं रहने से हालत बद से बदतर हो गई है। गंदगी की वजह से लोग खुले में शौच करने को विवश हैं। हाँ, शौचालय तो बना है, मगर रख रखाव सही न होने के कारण और पानी उपलब्ध न होने के वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी होता है। इस चलते यानी कि लोग नहीं आते हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा है, जिसमें यानी कि बीमारी होने का आशंका बना रहता है लोगों में।